हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लव लाइफ में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगा आप देख सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकते हैं। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स वीडियो सबके लिए रीडिंग ओपन है। सारे कास्ट कल्चर के लोग, सारे रिलीजन के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये मेरा पर्सनल रीडिंग के नंबर है, जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं यहाँ पर व्हाट्सअप करें। ठीक है, और 303 में आपको 2 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, अदरवाइज 333 में आपको करंट फीलिंग्स के साथ एंजल गाइडेंस मिलेंगे। और अदर्स डिटेल्स के लिए व्हाट्सअप पर पिंग करें, आपको डिटेल्स मिलेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है, आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। चलिए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है। प्लीज एंजल गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है। प्लीज एंजल गाइड मी, नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में। प्लीज एंजल गाइड करें, नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या होने वाला है, नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या होने वाला है, नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या होने वाला है, नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स के तरफ, नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के तरफ। वन मोर कार्ड एंजल, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के तरफ, नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्शन हो सकता है। बैलेंस, ये दो कार्ड नीचे गिर गए थे और यूनिवर्स की एनर्जी आए हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं इस डेक से रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए, और पहले ही दिन ही यूनिवर्स आप लोगों के सामने आए हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आप सबके ऊपर, आपके रिश्ते के ऊपर। जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी हो रहा है, यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। और यूनिवर्स के साथ यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी बिगिंस के कार्ड आए हैं, मतलब आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगा, न्यू बिगिनिंग्स होगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगा आने वाले टाइम में, और सिचुएशन यहाँ पर बैलेंस होगा। देखिए 111 की एनर्जी है यहाँ पर, यहाँ से 1-1 और यहाँ पर 1, मतलब 11 एंड यहाँ पर 1, तो 111 की एनर्जी है। और फिर से यहाँ पर बॉटम से 1, मतलब 4 times 1 आए हैं यहाँ पर। और ऐसे ही 1 day के लिए रीडिंग है, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए रीडिंग है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकता है आपके रिश्ते में। आपके पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, ठीक है, और सॉलिट्यूड में जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, स्टडी करेंगे, खुद के काम में फोकस करेंगे, और सोच विचार कर सकते हैं, अकेला रह सकते हैं कुछ टाइम आपके पर्सन, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपके पर्सन झुकेंगे। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की एनर्जी है, कुछ नॉलेज गेन करने की एनर्जी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की एनर्जी है। साथ ही साथ वो आपके बारे में भी सोचने वाले हैं, आप दोनों की जो भी टुगेदर वाला टाइम है उसको सोचने वाले हैं, और उसके बाद सोच समझ के बाद जो भी सिचुएशन है उसके लिए कोई पावरफुल डिसीजन आपके पर्सन लेने वाले हैं, अथॉरिटी खुद के हाथ में लेने वाले हैं। मतलब जो भी डिसीजन वो लेंगे वो खुद से लेंगे, किसी और के ऊपर डिपेंड होके या फिर कोई सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके कोई डिसीजन नहीं लेंगे। जो भी वो करेंगे खुद के दिमाग से सोच के करेंगे,
और ऑफ कोर्स यूनिवर्स की मर्जी से होगा क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर आए हुए हैं और विथ यहाँ पर सॉलिट्यूड में है आपके पर्सन, बहुत अच्छी तरीके से सोच विचार करेंगे उसके बाद ही जो है कोई पावरफुल डिसीजन लेंगे। यहाँ पर बातचीत हो सकता है आप लोगों के साथ आपके पर्सन की, क्योंकि थ्रोट चक्र की एनर्जी आए हैं। अगर आपके पर्सन की थ्रोट चक्र हील हुआ है, हील हो रहा है, तो आपको यहाँ पर बातचीत हो सकता है आपके पर्सन के साथ, कॉल मैसेज आ सकता है। अगर लेस कॉन्टैक्ट में हो, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे आपके पर्सन, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से बोलते नहीं थे खुद के लाइफ के बारे में, तो यहाँ पर आपके पर्सन एक्सप्रेस कर सकते हैं, खुल के बता सकते हैं आपको चीज़ों को, ठीक है। इमोशनल विड्रॉवल, कुछ चीज़ों में आपके पर्सन इमोशनली खुद को अलग कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल सिचुएशन से गुजर सकते हैं। कोई चीज़ों में उनको ट्रिगर मिला है रिसेंटली या फिर मिलेंगे आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में, और वो बहुत ज़्यादा खुद को आइसोलेटेड कर लेंगे और इमोशनली खुद को दूर कर लेंगे सबसे, और खुद ही खुद के अंदर झांकेंगे, खुद ही सोचेंगे, ओके। और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचेंगे आपके पर्सन, सिचुएशन को बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे, पीसफुल रिजोल्यूशन लेके आने के बारे में आपके पर्सन सोचेंगे, ठीक है। तो ऐसी वाइब्रेशन है यहाँ पर। चलिए कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं और डिटेल में देखते हैं कि क्या एनर्जी है। इमोशनल सॉरी मेमोरी ऑफ लव क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें। लाइट, आपके पर्सन होपफुल है कि आगे आने वाले टाइम में सारे सब कुछ ठीक होगा और आपके पर्सन के लाइफ में लाइट आएगा। तो चलिए अच्छी तरीके से मैं इसको सफल करती हूँ, मैं रेडी नहीं थी, फिर वो कार्ड्स आ गए हैं। प्लीज इनसे क्लैरिफाई करें सारे कार्ड्स को। मेमोरी ऑफ लव क्यों आया है, प्लीज इनसे गाइड करें। मेमोरी ऑफ लव क्यों आया है यहाँ पर, मेमोरी ऑफ लव प्लीज इनसे गाइड करें। मेमोरी ऑफ लव क्यों आया है, विश फुलफिलमेंट, अभी उनका विश फुलफिलमेंट हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर नंबर 3-3, ओके, जो कि ऑब्स्टिकल्स बन रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है। कोई ऑब्स्टिकल्स है जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट टेकन लॉसेस से गुजर रहे हैं। कुछ वेटिंग सिचुएशन हो सकता है आप दोनों के बीच, जिस सिचुएशन की वजह से परेशान है आपके पर्सन और इस ऑब्स्टिकल से बाहर आना चाहते हैं। जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, मतलब चीज़ों जो है एंडिंग से गुजर रहे हैं। थर्ड पार्टी से कोई ना कोई ट्रिगर आपके पर्सन को मिल रहा है और वो चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं उस फुलफिलमेंट की तरफ। सॉलिट्यूड क्यों आया है, क्या सोच रहे हैं इतना, सॉलिट्यूड क्यों आया है, क्या सोचने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, सॉलिट्यूड क्यों आया है, प्लीज इनसे गाइड करें। सॉलिट्यूड क्यों आया है, क्या सोचने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, सॉलिट्यूड क्यों आया है। बैलेंस, चीजों को बैलेंस करने के लिए सोच रहे हैं आपके पर्सन, ओके, यस। फैमिली अगर थर्ड पार्टी है, ओके, तो फैमिली और आपके बीच सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं आपके पर्सन। फैमिली से रिलेटेड कोई ट्रूथ आपके सामने, पर्सन के सामने आएगा, कोई ट्रूथ आपके पर्सन के सामने आएगा थर्ड पार्टी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, और आपके पर्सन तब जाके सॉलिट्यूड में जाएंगे, अकेला रहेंगे कुछ टाइम, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। अथॉरिटी क्यों आया है, क्या डिसीजन लेने वाले हैं, यस, न्यू बिगनिंग का कोई डिसीजन लेंगे। अवेयरनेस के कार्ड है, उनको नॉलेज विस्टम मिलेगा जब वो सॉलिट्यूड में रहेंगे, स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे, तब जाके वो कोई डिसीजन ले पाएंगे, उनको क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। ऐसी वाइब्रेशन है यहाँ पर। थ्रोट चक्र क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें। थ्रोट चक्र क्यों आए हैं यहाँ पर, देखिए मैंने बोला था ना थ्रोट चक्र को क्लैरिफिकेशन के टाइम की आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो यस गाइस,
यहाँ पर मैसेजेस के कार्ड्स आए हैं, एक्सेलरेटेड मोशन के कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है आपके पर्सन की तरफ, बातचीत हो सकता है, कोई कॉल मैसेज आपके पर्सन कर सकते हैं। साथ ही साथ वो आपको एक्सप्रेस करेंगे जो चीज़ वो छुपा रहे थे, बोल नहीं रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, वो चीज़ वो खुल के बताएंगे आपको। 5 आवर्स के अंदर, 8 आवर्स के अंदर कॉल मैसेज आ सकता है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। आपके पर्सन स्टैंड लेंगे इस रिश्ते के लिए, थर्ड पार्टी से बाहर आने के लिए स्टैंड लेंगे। देखिए 2-2 की एनर्जी है और आया है स्पिरिचुअल यूनियन, ठीक है। तो यूनियन के लिए आपके पर्सन स्टैंड लेंगे इस रिश्ते में, ओके। इमोशनल विड्रॉवल क्यों आया है, कौन सी चीज़ से इमोशनली विड्रॉल करने वाले हैं, कहाँ से इमोशनली विड्रॉल करने वाले हैं। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ गिरे हैं, इमोशनल विड्रोवल क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें इमोशनल विड्रोवल क्यों आया है। देखिए इमोशन को इमोशन ने क्लैरिफाई कर दिया है। पैशन इग्नाइट, देखिए न्यू बिगिनिंग जरूर होगा, 1-1 की रिपीटेशन आ रहा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। जो भी कंफ्यूजन है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, जो भी चॉइसेस है आपके पर्सन की लाइफ में, जो भी अदर चॉइसेस है, उनकी वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलने वाले है गाइस। इमोशनल लॉसेस से गुजरने वाले हैं आपके पर्सन, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी अदर ऑप्शन है, वहाँ से आपके पर्सन को ट्रिगर मिलेंगे और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल रह सकते हैं आने वाले 5 आवर्स के अंदर, 8 आवर्स के अंदर। और यहाँ से फिर न्यू बिगनिंग है, देखिए गाइस पहले ही मैंने दिखाया था कार्ड्स को कि न्यू बिगनिंग होने वाला है। 111 की एनर्जी है और यहाँ पर जस्टिस आया है, 111 है यहाँ पर, ठीक है, मतलब 5 टाइम 1 है। तो 1 डे के अंदर ये रेजोनेट करेगा आपसे अच्छी तरीके से। पॉस्पिरिटी बिगिंस क्यों आया है, कब तक न्यू बिगनिंग हो सकता है। थर्ड पार्टी की तरफ कोई पावरफुल डिसीजन आपके पर्सन लेने वाले हैं, पावर में आने वाले हैं, और जो भी वेटिंग सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनकी तरफ कोई पावरफुल डिसीजन लेंगे। यस, देखिए यहाँ से भी थर्ड पार्टी की एनर्जी है, 3-3 की एनर्जी है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर आने के लिए प्लानिंग करेंगे, पेशेंटली प्लानिंग करेंगे और आपके तरफ वो आएंगे। हार्ट चक्र के साथ आया है, ठीक है, दिल से सोचेंगे और आपके तरफ वो डिसीजन लेंगे, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगा। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे हम सबको कि क्या ब्लेसिंग्स है आपकी, क्या आप बोलना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस कि नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, ओवरऑल क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस। ट्रैप्ड इन फियर, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं गाइस, 5 5 7 5 5 5 और यहाँ पे भी 5 है, 4+1 5। तो मेजर चेंज आने वाले हैं, ओके। आपके पर्सन की फाइनेंशियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है, कोई कन्फ्लिक्ट से गुजर सकते हैं आपके पर्सन, और पेशेंस रखेंगे। उनका जो थर्ड आई चक्र है वो धीरे धीरे हील होगा, ठीक है, उनको कुछ चीज़ों में क्लियरिटी मिलेंगे कि कौन उनको धोखा दे रहा था, कौन मास्क पहन के यहाँ पर बैठा था, ठीक है, कौन एनवी है, आपके पर्सन को पता चलेगा। बॉटम से ट्रैप्ड इन फियर है एंड टेम्पटेशन, ओके। जो भी डेविलिश एनर्जी में आपके पर्सन स्टक है, उनके बारे में कोई ना कोई सच्चाई आपके पर्सन के सामने आ सकता है, ओके। और वो उनका करियर भी हो सकता है, कोई अदर सिचुएशन भी हो सकता है, मुझे ज़्यादातर करियर लग रहा है, ओके। यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं।
जिस भी डेविलिश एनर्जी में ट्रैप्ड है आपके पर्सन, उनकी सच्चाई बाहर लेके आने वाले है, आपके पर्सन को क्लैरिटी मिलने वाले है सिचुएशन में, ओके। और अगर मेटेरियलिस्टिक थे आपके पर्सन की मेटेरियल चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे, प्रायोरिटी देते थे कि मेरे पास बंगलो है, कार है, मेरा टाटा ऐसा है, मैं खूबसूरत हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसा है, तो इस तरीके का कोई प्रॉब्लम अगर था आपके पर्सन को, तो यहाँ पर यूनिवर्स उनको जो है सही रास्ता दिखाएंगे थ्रू कोई टिगर मोमेंट, कोई टिगर मोमेंट क्रिएट होगा और आपके पर्सन को सही रास्ता दिखेगा। बैलेंस, किस तरीके का बैलेंस आने वाला है, प्लीज एंजल गाइड करें, किस तरीके का बैलेंस आने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में, क्या बैलेंस होने वाले हैं, प्लीज एंजल गाइड करें, क्या बैलेंस होने वाले हैं, स्टैंड लेंगे आपके पर्सन, यस, सक्सेस मिलेंगे, विक्ट्री मिलेंगे, ओके। जो भी कंफ्लिक्टेड एनर्जी है वहाँ से बाहर आएंगे आपके पर्सन, कोई सच्चाई सामने आने वाला है फैमिली से रिलेटेड, थर्ड पार्टी से रिलेटेड। और यहाँ पर आपके पर्सन होपफुल है कि आगे आने वाले टाइम में उनको सक्सेस मिलेगा, बहुत ज़्यादा होपफुल है आपके पर्सन, ट्रस्ट रखे हुए है डिवाइन के ऊपर कि आगे आने वाले टाइम में उनको सक्सेस मिलेगा, वो आपके साथ मैरिज करेंगे, या फिर अगर ऑलरेडी मैरिड हो आप दोनों तो यहाँ पर सक्सेसफुली रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा, यही मदर गाया की जो है प्लान है आप लोगों के लिए, ताकि आपके पर्सन आपके तरफ आए, आपकी तरफ बातचीत करे, परमानेंट वाला आप लोगों का रियूनियन हो जाए, मैरिज हो जाए, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, इसको क्लेम कीजिएगा, और जिनके साथ भी आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में ये रेजोनेट करता है ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना है आपको। चलिए मैं दूसरी डेक से देखूंगी कि और क्या होने वाला है आपके रिश्तों में। प्लीज गाइड करें नेक्स्ट 24 आवर्स में और क्या होने वाला है, नेक्स्ट 24 आवर्स में और क्या होने वाला है, नेक्स्ट 24 आवर्स में और क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, और क्या होने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, नेक्स्ट 24 आवर्स में और क्या होने वाला है। पॉवर्टी, देखिए यहाँ पर पेंटिकल से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोई ना कोई ट्रिगर मिलने वाला है आपके पर्सन को, ओके। हाँ, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम बातचीत करके सॉर्ट आउट हो, या फिर कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी यहाँ पर हो सकता है। अगर था कोर्ट कचहरी का मामला तो यहाँ पर बातचीत करके सॉर्ट आउट होगा, और आपके पर्सन आने वाले टाइम में आपके तरफ आ सकते हैं, और रिश्ते में कोई चेंज आ सकता है आपके रिश्ते में, या फिर आप लोग घूमने जा सकते हो नेक्स्ट 24 आवर्स में, ओके। वन मोर कार्ड एंजल, वेल्दी मैन, गिफ्ट हाउस, तो किसी को यहाँ कॉल में से रिसीव हो सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई वेल्दी मैन के साथ आपका बातचीत हो सकता है, मिलने आ सकते हैं आपके कोई पर्सन, आपके घर आ सकता है कोई वेल्दी मैन, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकता है आपको या फिर आपके पर्सन को, ओके। तो यहाँ पर पहले तो फाइनेंस से रिलेटेड कोई ट्रिगर मिलने वाला है, और कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड इनकम होगा, ठीक है, और खुद को वेल्दी फील कर सकते हैं, या फिर कोई वेल्दी मैन आपके घर आ सकता है, या फिर आपके पर्सन आपके घर आ सकता है, आपसे मिलने आ सकता है, रियूनियन हो सकता है, कॉल मैसेज आ सकता है, कोई गिफ्ट भी आपको रिसीव हो सकता है, वो गिफ्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, ओके। तो गाइस ये था नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए रीडिंग। रीडिंग अगर अच्छा लगा है ज़रूर से लाइक करें, कमेंट में बताइए कितना अच्छा लगा है, कितना रेजोनेट हुआ है आपसे, और कॉल मैसेज आता है तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो लोग चैनल पे न्यू हो, मेरी रीडिंग अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए इस तरीके का रीडिंग देखने के लिए। फिलहाल टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।